तो यार यहाँ पर हैं कुछ बहुत ही बढ़िया प्रोडक्टिविटी गैजेट्स, और एक गैजेट ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है बिकॉज मेरे से रहा नहीं गया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कुछ प्रोडक्टिविटी गैजेट्स जो कि आप लोगों के होने वाले हैं। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी देखते हैं क्या क्या गैजेट्स हैं। ये नीचे वाला तो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, वैसे मेरे को पता नहीं है कि इस वाले में क्या है, इसका तो मेरे को आइडिया है, ये तो मैंने बेसब्र होकर खोल ही लिया। तो दिस इज अ गेमिंग माउस जो कि आप लोगों को मिलने वाला है, रख देते हैं साइड में, मैं इसको खोलूंगा नहीं वरना आपको भैया खुला हुआ दे दिया हमें। हम लोग करते हैं दूसरा वाला बॉक्स अनबॉक्स, के लिए हमें निकालना पड़ेगा एक चाकू। ओके, तो जैसा कि मैंने सोचा था, इसके अंदर से निकला है एक क्वांटम का हेडफोन जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, गेमिंग हेडफोन है ये भी। ये सारे के सारे जो गैजेट्स हैं गेमिंग के हैं, बट आप लोगों को गेमिंग खेलनी नहीं है, अभी आपको प्लेसमेंट की तैयारी है। क्वालिटी टेस्ट नहीं करेंगे, ये आप लोग मेरे को करके बता देना जो भी इसको जीतने वाला है। प्राइस तो इस पे अच्छा खासा पड़ा हुआ है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा ही होगा। बाकी आई गेस इसको हम थोड़ा सा खोल के देख सकते हैं। खोलूं क्या? खोलूं यार, बच्चे रोएंगे थे यार इसमें खोल के देख लिया तो इसको साइड रख देते हैं। अब हम अनबॉक्स करते हैं सबसे बड़ा वाला हमारा बॉक्स, ऐसा ना हो यार कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा। ओके, तो चूहा ही निकलता हुआ नजर आ रहा है मेरे को तो यहाँ पर। ओ माई गॉड, और इतने बड़े गत्ते के अंदर से निकला है एक कीबोर्ड। मेरे ख्याल से तो मैकेनिकल कीबोर्ड है, मेरे पास ऑलरेडी एक मैकेनिकल कीबोर्ड पड़ा हुआ है जिसको मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन होते काफी बढ़िया है, मतलब टाइप वाइप करने में एकदम फील आ जाती है, लेकिन इस वाले को मैं खोल करके देखूंगा यार। तो जरा इसको अनबॉक्स कर देते हैं। आई एम सॉरी, जिसके भी पास जाने वाला है उसको बहुत बहुत सॉरी मेरी तरफ से, लेकिन मन कर रहा है मेरे को काफी खोलने का इसका, तो लेट अस अनबॉक्स दिस। नो गॉड प्लीज नो नो, यार मेरे को अनबॉक्सिंग करना थोड़े सही तरीके से सीखनी पड़ेगी, मैं तो गत्ते वत्ते ही फाड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो बाहर आ चुका है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि हद से ज्यादा हैवी है। अगर आप लोगों के पास बैट मिसिंग हो तो इससे आप लोग बैट बॉल भी खेल सकते हैं, बस एक दूसरे के सर का थोड़ा ध्यान रखना। तो यार ये जो इसका फ्रेम है ये है मेटेलिक, दिस इज मेटेलिक फ्रेम, और इसमें जो कीज है, एक सेकंड, ऐसे फील नहीं आएगी। तो ये है मैकेनिकल कीज, और इसके साथ कुछ और भी दे रखे हैं अंदर। हमें यहाँ पर दे रखा है एक कीज को निकालने के लिए एक टूल, तो इस तरीके से आप पकड़ करके कीज को बाहर निकाल सकते हैं। दीज आर रेड स्विचेस, जो मेरा वाला कीबोर्ड है। तो यार इस वाले कीबोर्ड में काफ़ी डस्ट लग चुकी है, सो डोंट जज, मैं साफ नहीं करता हूँ इसको। दीज आर ब्लू, तो ब्लू की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, रेड की आवाज़ थोड़ी सी कम होती है, इसमें थोड़ी सॉफ्ट आपको आवाज़ आ जाएगी, लेकिन हाँ एकदम फील आ जाएगी एकदम टाइप करने में इससे। ये सारे के सारे गैजेट्स कैसे आप लोगों को लेने हैं, तो यार अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ तीन स्टेप जिनसे ये गैजेट्स आपके हो सकते हैं। स्टेप नंबर वन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो गया आप लोग। स्टेप नंबर टू, एक कमेंट कर देना इस वीडियो पे, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कमेंट के ही हिसाब से होगी। स्टेप नंबर थ्री, मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक PDF दे रखी है जहां से आप लोगों को मिनी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यार यही तीन स्टेप हैं, आप लोग ये तीन स्टेप फॉलो कर लो। बाकी काम करते हैं, इस कीबोर्ड को लगा करके देखते हैं अपने लैपटॉप के साथ। तो ये है हमारा एक पुराना सा लैपटॉप, हम इसको लगा लेते हैं और इसमें लाइट्स जलना शुरू हो गई हैं, और इसका मजा जब ही आएगा जब ये लाइट्स बंद होंगी। काफी अच्छी कीज है, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई स्मॉलर देन एन, आई, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें आपके। तो आई होप आप लोगों को गैजेट्स पसंद आए होंगे। ये और एक ये तीनों ही गैजेट्स आप लोगों के हो सकते हैं अगर आप ये तीन स्टेप्स फॉलो कर लें जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, ठीक है। जल्दी ही विनर्स वगैरह हम लोग अनाउंस कर देंगे, हम लोग देरी करते नहीं है किसी काम में, तो जल्दी जल्दी से इसको खत्म करो गिव अवे को। मान लो कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स के गिव अवे है जो कि मैंने नहीं किया था कुछ टाइम पहले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।